नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा पैटर्न लाई हूँ, जिसे आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन में, जैकेट में, कुर्ती में, टॉप में, फ्रॉक में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बनाएं, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए हमें इवन नंबर में कोई भी फंदे चाहिए, यानी जो दो से कटते हों ऐसी संख्या में कोई भी फंदों में ये डिज़ाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन का पहला लाइन और सामने से, तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर अगले फंदे में हम ऐसे दो बार ऊन लपेटेंगे और सीधा फंदा बना देंगे। नेक्स्ट फंदा सिलाई ऐसे पर्ल नीट वाइज डालेंगे, दो बार ऐसे सिलाई में ऊन लपेटेंगे और सीधा फंदा बनाएंगे, लेकिन सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा। तो हमको सभी फंदे सीधे बुनने हैं, लेकिन सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा। दो बार ऊन लपेटा और सीधा फंदा बना लिया, दो बार ऊन लपेटा और सीधा फंदा, दो बार ऊन लपेटा और सीधा फंदा। और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बनाएंगे। अब ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो पहला फंदा ऐसे स्लिप कर लेंगे, फिर नेक्स्ट दो फंदों को खोलेंगे, बाईं सिलाई में चढ़ाएंगे, उनको दूसरी तरफ ही रखे रहेंगे दोनों फंदों के बाद। देखिए जो बीच में स्पेस बचा है, इसमें हम ऐसे सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लिया। तो हमने एक सीधा फंदा बना लिया। अब इन दोनों फंदों में ऐसे एक साथ सिलाई डालेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना देंगे। नेक्स्ट दो फंदे खोलेंगे, दोनों को बाईं सिलाई में चढ़ाएंगे और दोनों फंदों के बाद, देखिए ये एक ये दो, दोनों फंदों के बाद वाले जगह में हम सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना देंगे। अब फिर दोनों फंदों में एक साथ सिलाई डालेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा। तो हमारे दो फंदों का वापस दो फंदे हो गए, दो से दो फंदे हो गए। फिर से देखिए, दो फंदे, दो लपेटे हुए दो फंदे खोलेंगे, दोनों को बाईं सिलाई में चढ़ाएंगे, दोनों फंदों के बाद के स्पेस में ऐसे, देखिए ये हमने किसी फंदे में नहीं डाला है, बल्कि दो फंदे के बाद जो स्पेस है उसमें डाला है। उसके बाद एक लूप ले लेंगे, ये हमने एक फंदा बना दिया। अब उनको इधर ही रहने देंगे, अब दोनों फंदों में एक साथ ऐसे सिलाई डालेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। दो से हमने दो फंदे बना दिए। नेक्स्ट दो फंदे खोलेंगे, दोनों को बाईं सिलाई में चढ़ा देंगे, दोनों फंदों के बाद वाले जगह पे ऐसे सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर दोनों फंदों में एक साथ सिलाई डालेंगे और दो का सीधा बुनते हुए, बैक लूप से सीधा बुनते हुए दो का। नेक्स्ट दो फंदे खोलेंगे, दोनों को बाईं सिलाई में चढ़ाएंगे, दोनों के बाद हम, देखिए ये हमने किसी फंदे में नहीं डाला है, बल्कि दो फंदे के बाद जो जगह है उसमें हमने सिलाई डाला है, और एक लूप निकाल लेंगे, फिर दोनों फंदों में
को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा। तो हमें सारे फंदों के साथ यही करना है, तो दो फंदों को खोलना है, दोनों फंदों के बाद एक लूप निकालना है, फिर दोनों फंदों को बैक लूप से एक सीधा फंदा। लास्ट फंदा एज स्टिच है तो उन अपनी ओर करेंगे और इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारे दो लाइन कंप्लीट हो गए। अब ये डिजाइन का तीसरा लाइन है और राइट साइड सभी फंदे सीधे। और फोर्थ रो में सभी फंदे उल्टे। फोर्थ रो में सभी फंदे उल्टे बना लिए गए और अब ये फिफ्थ रो है और सामने से, तो पहला फंदा स्लिप करेंगे और सभी फंदों को ऐसे दो बार सिलाई में ऊन लपेटते हुए सीधा बनाएंगे। अब यहाँ से हमारा पहला लाइन शुरू हो जाता है। सभी फंदों को सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा। और लास्ट फंदा नॉर्मली सीधा। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है, तो पहला फंदा स्लिप करेंगे और दो फंदों को खोलेंगे और इसे बाएं हाथ की सिलाई में चढ़ा देंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे और इन दो फंदों के बाद वाले जगह पे ऐसे सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर इन दोनों फंदों को बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। चार ही लाइन का ये डिजाइन है और इन्हीं चारों लाइनों को हमें पूरे स्वेटर में दोहराना है। दो दो फंदों को खोलते जाना है, दोनों फंदों के बाद के जगह पे ऐसे सिलाई डालना है, एक लूप निकालना है, फिर दोनों फंदों को बैक लूप से सीधा। तो इसी तरह करते हुए सारे फंदे बुन लेंगे और लास्ट फंदे को उल्टा बनाएंगे। डिजाइन के थर्ड रो में सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनके तैयार है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। देखिए फ्रेंड्स, इसी डिज़ाइन को मैंने दो रंग में बनाया है, तो डिज़ाइन एक ही है ये सिंगल कलर में और यही डिज़ाइन यहाँ दो कलर में। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको डिज़ाइन पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।